नमस्ते, यूरो प्रतीक आप सभी का स्वागत करता है सफायर और एक्रोग्लास एक्रेलिक लैमिनेट एप्लीकेशन वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरो प्रतीक के सफायर और एक्रोग्लास हाई क्वालिटी एक्रेलिक लैमिनेट्स को लगाने का सही तरीका। यूरो प्रतीक के एक्सक्लूसिव और खूबसूरत इंटीरियर प्रोडक्ट्स में अब दो नए नाम जुड़ गए हैं, सफायर और एक्रोग्लास एक्रेलिक लैमिनेट्स। ये लैमिनेट जितने डेकोरेटिव और खूबसूरत हैं, उनका एप्लीकेशन भी उतना ही खास है। सफायर और एक्रोग्लास एक्रेलिक शीट आपके साइट पर सुरक्षित पहुंचने के बाद आप उसी दिन उसे एक स्वच्छ जगह पर बिछा दें। एक्रेलिक शीट को रोल ना करें, अन्यथा लैमिनेट शीट के अंदर स्ट्रेच मार्क्स या क्रैक्स आ सकते हैं। जमीन पर बिछाने के बाद आगे और पीछे से शीट की अच्छी तरह से जांच कर लें। शीट पर लगे प्रोटेक्टिव कवर को अभी नहीं निकालें। अब एक अच्छी क्वालिटी का वुड बेस्ड प्रोडक्ट और लिपिंग पट्टी लें। शीट को लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि वुड बेस्ड प्रोडक्ट जैसे प्लाईवुड, एमडीएफ या पार्टिकल बोर्ड सही थिकनेस का हो। बेस प्रोडक्ट को सैंड पेपर से अच्छी तरह साफ कर लें। शीट की सतह पर किसी भी तरह की मार्किंग, स्टेन्स या दाग नहीं होने चाहिए। दागदार और लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने पर एक्रेलिक शीट के बैक साइड पर येलो पैचेस डेवलप हो सकते हैं। एक्रेलिक लैमिनेट शीट को कट करने के लिए प्लाईवुड कटर मशीन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से शीट की धार सीधी ना होकर दानेदार हो सकती है। शीट को काटने के लिए नॉर्मल कटर या एक्रेलिक कटर का ही इस्तेमाल करें। शीट को लकड़ी की सतह पर चिपकाने के लिए यूरो प्रतीक ब्रांड का रेकमेंडेड ग्लू ही उपयोग करें। अन्य किसी भी ब्रांड के ग्लू का इस्तेमाल ना करें। और किसी ग्लू का इस्तेमाल करने से शीट के पीछे की तरफ येलो पैचेस आ सकते हैं, शीट डीलैमिनेट हो सकती है। ग्लू को अच्छी तरह मिलाकर दोनों ही सतह पर पर्याप्त मात्रा में लगाएं और फिर कॉर्नर्स को मिलाते हुए शीट को वुड बेस सतह पर अच्छी तरह से प्रेस कर दें। एक्रेलिक शीट और वुड सरफेस के बीच की एयर को इस तरह निकालें। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि शीट और वुड के बीच एयर बबल्स ना हो। आमतौर पर एयर बबल्स के मुद्दों को बड़े शीट के एप्लीकेशन में देखा जाता है। अगर सही तरीका नहीं अपनाया जाए तो शीट के इंस्टॉलेशन में एयर बबल्स आ सकते हैं। जिस तरह लैमिनेट को लगाने के लिए आप एक निश्चित दूरी पर मास्किंग टेप लगाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी लगाएं। फिर इस पर सामान्य रूप से वजन रख के 10 से 12 घंटे सुखाने के लिए छोड़ दें। सुखाने के बाद रंधे से धार को लेवल करके स्मूथ कर दें। हैंडल या हार्डवेयर फिटिंग्स लगाने के लिए शीट पर संभाल कर और धीरे से ड्रिल करें। स्क्रूज को भी संभाल कर कसें। जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगाने से एक्रेलिक शीट क्रैक हो सकती है, इसलिए ओवर टाइटनिंग बिल्कुल भी ना करें। अब आपका डोर या पैनल इंस्टॉल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप इसी तरह से शीश सभी डोर्स पर सफायर या एक्रोग्लास एक्रेलिक लैमिनेट लगाकर आपके फर्नीचर की खूबसूरती और भी निखार सकते हैं। करीब 15 दिन के भीतर प्रोटेक्टिव फिल्म को निकाल दें और लैमिनेट को किसी भी माइल्ड क्लीनिंग एजेंट से या एक्रेलिक ग्लास क्लीनर से साफ कर दें। साफ करते वक्त माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही यूज करें। सफायर और एक्रोग्लास पे चैम्फरिंग और बफिंग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।